90% तुम्हारा भाई सोच के बैठा था कि शुरू में बाइक के शॉट्स आएंगे और उसके बाद फिर अटेंशन ग्रैब हो जाएगी, लेकिन 10% वो जो दिल है ना वो अटका हुआ था कि भाई साहब ये स्टोरी बहुत जरूरी है। तो ये कहानी में आगे शॉर्ट्स पूरे देखो ना, देखो कहानी तुम पूरी सुनना कि ना मेरे बाप कोई लैंडलॉर्ड है, ना हम कोई रईस हैं, ना मेरे के बड़े भाई की सपोर्ट है, ना कोई हमारा बिजनेस चलता आ रहा है जिसकी कोई हमारी पीढ़ियाँ हैं जो उसका साथ देंगी और वो जनरेशन और वो बिजनेस आगे चलाएंगी। नहीं, एक मेरी लाइन थी बहुत वायरल हुई थी कि अमीर को पता है वो अमीर है, गरीब को पता है वो गरीब है। लोगों ने बहुत वायरल की उसका कॉन्सेप्ट, समझे या ना समझे, लेकिन वो ये बात थी कि या तो अमीर पैदा हो जाओ ताकि तुमने कभी गरीबी ना देखी हो, या तो गरीब पैदा हो जाओ कि अमीर होना तुम्हारा ख्वाब हो। लेकिन जब तुम एक अमीर लाइफ से गरीब होते हो ना तो अल्लाह के सामने तुम किसी भी पर्दे पे आए थे हो, लेकिन ये इंसान तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये इंसान की जो आँखें हैं, जो लफ्ज़ हैं, जो हकारत की नज़रें हैं, वो तुम्हें इस दुनिया में जीने नहीं देंगी, एक्सेप्ट नहीं करने देंगी कि भाई तुम तो वही थे जिसके पास पैसा था और अब नहीं है। बुरे हालात में मैंने एक चीज़ वाज़े नोट की कि तुम्हारे साथ तो भाई साहब 100 लोग रहेंगे जिनमें से 50 बोलेंगे कि भाई साहब तुम गरीब कैसे हो गए, 25 बोलेंगे कि अब क्या करोगे, 15 बोलेंगे कि अगर ज़रूरत हो हकारत की नज़रों से तो हमें याद कर लेना, और 10 लोग तुम्हारा साथ देंगे, और वो 10 लोग और उनका वक्त मैंने आज भी संभाल के रखा है। और यहाँ आता है हमज़ा का पहला कि ख्वाब थे समेटे मैंने राख से निकाल के, वो हसरतों से देखते अजीब से ख्याल थे, मैं गुर्बतों की क्या बताऊँ क्या गुजरे मुझ पे हाल थे, मैंने तो भेज दिया था वो सब कुछ जो मैं रखता था संभाल के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया है कि सब्र की सिर्फ दो सूरतें होती हैं, एक जो नापसंद है उसको बर्दाश्त करना, और जो दूसरा जो पसंद है उसका इंतज़ार करना। और इस बीच का जो जवाल का इंतज़ार और बर्दाश्त का वक्त था उसमें मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी कि हमज़ा भाई अगर पैरों के अलावा तुम किसी चीज़ पर खड़े हो ना तो वो तुम्हारी ज़बान है। और मैंने अपने आप को ज़बान दी थी अपने स्ट्रगल टाइम पे, अपने शीशे के सामने, अपने अना के सामने, अपनी ईगो के सामने कि भाई साहब जब तक मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी ज़िंदगी वापस नहीं आती तब तक मैं अपनी कोई खुशी दूसरों से नहीं सेलिब्रेट करूँगा, और नहीं की। तो ये था कि बाइक तो मैं पहले ब्लॉगिंग के साल ही ले सकता था, लेकिन क्या फ़ायदा होता अगर मेरा भाई अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता, अगर मेरी माँ अच्छे कपड़े नहीं पहन रही होगी, अगर हम अच्छे घर में शिफ्ट नहीं होते और फिर नीचे जो है वो एक बाइक खड़ी होती। तो मज़ा तो तब था ना जब मैंने किराए पे, रेंट पे और फ़ोन से ब्लॉगिंग करने के बाद, दूसरों से माँ के हकारत की नज़रों के बाद जब मेरा ये स्टूडियो बना, जब मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे घर में रहने लगी, जब मेरा भाई अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, जब हमें पैसों की टेंशन होना ख़त्म हो गई, तब मैंने सेव करना शुरू किया बाइक के पैसे कि हाँ यार अगर अब नीचे बाइक खड़ी होगी ना तो अच्छी लगेगी। और यहाँ आता है हमज़ा का दूसरा कि आ रहा हूँ साल कितने पीछे छोड़ के, वो बेफिक्र ज़माना था जो दिल में था वो बोल के, न तोल के लोगों को नोटों से न जेब से, मेरे छोटे छोटे ख्वाब मेरे छोटे ही फरेब थे। क्योंकि तेरे भाई ने तो एक रोड पे झाड़ू भी मारी है, बाथरूम भी साफ़ किए हैं, एक बड़ी नौकरी का सोच कर, वाइट कॉलर नौकरी का छोड़कर 6 महीने MD को चाय भी पिलाई है, लड़की के लिए इश्क में दुबई भी गया हूँ तो वापस आके जो है वो मंड के रोया भी हूँ, वो सारे काम किए हैं जो 18 साल से 25 साल की एज में एक स्ट्रगलर को करने चाहिए। अपनी आँखें नीची गई हैं फिर ऊपर की हैं, तो समझ आइए कि दुनिया में जो कंधों पर बाप के देखी थी ना वैसी नहीं है दुनिया। और आज यहाँ पर आता है हमज़ा का तीसरा और आखिरी कि तोड़ दिल के ताले खोल हाथों की जंजीर ना, बार बार हार मेरी होगी अब नसीब ना, जब मौज को हराना तो लहरों को ता चीरना, मैंने खुद मिटा के खुद बनाई है हाथों की लकीर ना, तहरीर की निगाहें थी और लफ्ज़ मेरे कोरे थे, कहने को थी दास्तां वो लफ्ज़ कितने थोड़े थे, और मैंने ज़िंदगी के फैसले नसीबों पे ना छोड़े थे, मैंने चलना शुरू किया फिर सब साथ मेरे दौड़े थे। और मेरी एक लाइन थी कि आना मेरी दर्द देती दर्द को छुपाने की, और काली रात गुजार दी मैंने सड़क के सिरहाने ही। तो वो बातें मैंने किसी शेयर नहीं की कि मैंने सड़कों पे सोया हूँ, सड़कों पे वक्त गुजारा है, क्योंकि ये बात रियलिस्टिक नहीं लगती, क्योंकि लोगों को सिर्फ वही ज़िंदगी नज़र आती है ना भाई साहब जो आज जी रहे हैं। लोगों को तो बाइक नज़र आएगी, गाड़ी नज़र आएगी, घर नज़र आएगा, और फिर लोग बोलेंगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल
हमारे रोसी भैया वेट कर रहे हैं, क्योंकि असल में सीन ही है ना कि पहले 125 पे थे, फिर एकदम जो है वह हैवी बाइक पे आ गए, लेकिन घोपरो अभी भी लगा हुआ है भाई साहब। तो अब बाइक की डिटेल आपको इस खुशी में शरीक करते हुए माइकल रॉसी देगा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं इस बाइक के बारे में। ये बाइक है कावासाकी ZX6R, इसको कावासाकी 636 भी कहते हैं, और 2016-15 का मॉडल है ये। और प्राइस बस अल्लाह ताला ने मुझे दिला दी, तो प्राइस आप छोड़ें भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ कि इतनी महंगी लेने के बाद बाइक, लोग हमें कह रहे हैं हमजा भाई आपकी बाइक की लाइट ख़राब है, रोक रोक के कह रहे हैं। अब जो इसमें एक लाइट जल रही है और एक ये नहीं जल रही, ये इसकी बाइक की पार्किंग लाइट्स होती हैं, और हम जब वीडियो बनाते हैं सामने से तो हम यही लाइट जलाते हैं, ताकि रोशनी ज़्यादा अगर वीडियो में लाइट की आती है तो हम लोग तो नज़र ही नहीं आते। ये अक्सर मेरे साथ फोटो शूट में हुआ है कि बाइक की लाइट की वजह से मैं खुद नज़र नहीं आ रहा हूँ, वरना इसमें दो लाइटें हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये दोनों लाइटें जो है वो चलती हैं। तीन चीज़ें इस बाइक पे मैंने बाइक ख़रीदने के बाद लगाई थी, बाकी सब लगी लगाई आई थी। एक इसका वाइज़र सामने से जो ट्रांसपेरेंट था, मैंने उसको मैट ब्लैक कराया। एक इसका एग्जॉस्ट जो कि ब्रुक्स परफॉर्मेंस मैंने बाद में लगाया, इससे पहले ढोलकी लगी हुई थी। और तीसरी चीज़ काम 25, अगर ये बाइक पे लगाया तो बाइक तो फिर बाइक ही नहीं हुई ना मेरी भाई साहब। चारे फैसल का ये वेविंग फ्लैग है, लोग पीछे देख देख के साइडों में आके बोलते हैं अरे हमजा भाई किधर जा रहे हो। अब आते हैं हम लोग हेलमेट्स पे, क्योंकि हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है बाइक में, दिखने में भी और सेफ्टी में भी। तो ये है LS2 का और ये है AGV का। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप AGV का हेलमेट लें, और थोड़ा महंगा होता है लेकिन सारे गेम्स इसी के होते हैं। और आगे वाइज़र लगा है, वाइज़र के दो फ़ायदे हैं, मैट वाइज़र लगाने के, या रात में आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन दिन में आप और रात में आप बड़े हरामी लगोगे, लेकिन वो मौत ही क्या जिसमें आप हरामी से एक दिन के लिए लगो और कल को मर जाओ। तो उसके लिए हम लोग का ये वाला वाइज़र आता है, ये आप रात में लगा के पहने, और जितने भी चिचोराबाजी है वो आप दिन में ये लगा के करें, इससे मज़ा बहुत आता है, स्वैग बहुत लगता है, अंदर बैठा कौन है यार, लेकिन इसमें आँखें नज़र आती। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, अब आदत हो गई चला चला के, लेकिन रात में कभी एकदम स्ट्रीट लाइट गायब हो जाए कराची में तो भाई साहब मौत का फरिश्ता पहले आसमान पे आ जाता। You want some more of this bitch? Back in the '80s, we could do this all year long. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, I was walking down the street just the other day. I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones on and pressed play. Sheryl Crow, James Blunt, and motherfucking Ace of Base. Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter. I'm just a regular,